हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखा सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है कटोरी चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्रिस्पी और चटपटी कटोरी चाट की रेसिपी को बनाना। यहाँ पर हमने 2.5 कप मैदा लिया है। इसे हम अच्छे से स्पून से मिक्स करने के बाद में अब इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस मैदा को पहले ही छान लिया था। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे हाथों से हल्का सा रब करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से गूंथ लेंगे मैदा को। हमें बहुत ज़्यादा टाइट डो तैयार नहीं करना है, हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है, जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पर अब हमारी मैदा एकदम खुद का रेडी होने लगी है और अब हमारी मैदा एकदम रेडी हो चुकी है खुद के। तो हम यहाँ पर इसमें से थोड़ी सी मैदा लेंगे और उसके पहले हम 2-3 लोइयाँ तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक साथ 4-5 बार बेल कर रख सकते हो तैयार करके, इससे जल्दी भी हो जाता है और आसानी से बन जाती है हमारी कटोरी। फ्रेंड्स, हम इसके लिए रोटी से थोड़ा कम और पूड़ी से ज़्यादा बड़ी लोई लेंगे हम इसको बनाने के लिए, अपनी कटोरी चाट के लिए, पूड़ी बनाने के लिए। और बाकी का आप अपनी कटोरी के मेज़रमेंट के हिसाब से अपनी पूड़ी बड़ी या छोटी बना सकते हो। अगर आप छोटी कटोरी चाट बना रहे हो तो आप छोटी लोई ले लीजिए और छोटी पूड़ी ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी कटोरी मीडियम साइज़ की है या बिग साइज़ की है तो आप पूड़ी थोड़ी बड़ी बेलिए। तो यहाँ पर मैं जो कटोरी चाट के लिए कटोरी बनाने जा रही हूँ वो मेरी मीडियम साइज़ की है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बेलूँगी रोटी के जितना। और हमें फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको एकदम पतला बेलना है। अगर हमारी पूड़ी ये पतली नहीं होगी तो ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी और एकदम मोटी मोटी मैदा रहेगी जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरह हम इसे पहले से 2-3 बेल कर तैयार कर लेंगे, इससे जल्दी भी हो जाएगा। तो हमें इसी तरह से इसको एकदम पतला बेलना है। तो देखिए हमारी एकदम पतली पूरी बेलकर तैयार हो चुकी है। अब इसे फोर्क की हेल्प से इसमें डॉट डॉट्स कर लेंगे। फिर डॉट डॉट्स करने से क्या होता है कि जब ये ऑयल में जाएगी हमारी कटोरी फ्राई होने के लिए तो ये फूलेगी नहीं और ये क्रिस्पी भी बनेगी। और फिर सेंटर में हम एक कटोरी रखेंगे और साइड से सारी पूड़ी को उठाते हुए इसको कवर कर देंगे कटोरी को हम पूरे चारों ओर से अच्छे से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपको मैदा दिखाई दे रही है उसे हम इसी की किनारी से इसी तरह कट कर देंगे और एक्स्ट्रा मैदा को निकाल देंगे हम बाहर। तो देखिए हमारी कटोरी एकदम से कवर हो चुकी है और ये ऑयल में जाने के बाद अपने आप किनारी इसकी कटोरी की अलग हट जाएगी, देखिए। और हम स्टील की कटोरी को अलग निकाल लेंगे और इसी तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हमें फ्राई करना है। और आप जब भी कटोरी फ्राई करें तो गैस का फ्लेम मीडियम लो रखें, हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये जल जाएगी और उतनी अच्छी नहीं बनेगी। और इसी तरह हमें इसको घुमाते हुए इसको फ्राई करना है ऑयल में। फ्रेंड्स, ये आपको वाइट वाइट लग रही होगी लेकिन ये एकदम गोल्डन ब्राउन ही सिक चुकी है। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से अपनी सारी कटोरियाँ कटोरी चाट के लिए सेक कर तैयार करनी है। इस तरह देखिए हमने तीसरी कटोरी डाली है। इसे ऑयल में डालने के बाद हम इसके अच्छे से इसके चारों ओर ऑयल डालेंगे। इसको जब भी पलटे तो ध्यान से पलटे, अगर आपने एकदम से तेज़ी से पलटा तो, क्योंकि कटोरी के वेट से ऑयल आपके ऊपर छटक कर आ सकता है, तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको करना है। देखिए हमारी कटोरी ऊपर को आने लग गई है, किनारी छोड़ दी है उसने और हम इसे हल्का सा हिला कर देख लें तो देखिए इसकी सभी किनारियाँ अलग हो चुकी हैं। और अब हमारे यहाँ पर कटोरी सिक कर एकदम रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने 4 कटोरियाँ तैयार कर ली थी कटोरी चाट के लिए। यहाँ पर हमने वाइट मटर को ओवरनाइट सोक किया पानी में। इसके बाद में हमने इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालकर इसे बॉईल कर लिया था अच्छे से। इसके बाद में हम इसमें बॉईल पोटैटो ऐड करेंगे जिन्हें हमने बहुत ही फाइनली कट करा है। इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज को डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर,
इसी तरह हम चार ही कटोरी में स्टफिंग भरते जाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी बेसन भुजिया नमकीन ऐड करेंगे। हमने अनार के दाने भी डाल दिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, और इसके बाद हम फिर से अपनी जो भी स्टफिंग है उसको दोबारा से ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कटी हुई प्याज को फिर से डाला है कटोरी के ऊपर। फ्रेंड्स, चाट की स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा रख सकते हो, बहुत कम रख सकते हो, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी रख सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अगर मटर की जगह इसमें छोले भी ले सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने फैटी हुई दही डाली है, दही को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं तैयार करना है, एकदम पतला, जिससे कि ये खट्टी खट्टी मीठी मीठी जल्दी से रेडी भी हो जाती है। और फिर से हमने इसके ऊपर बेसन भुजिया ऐड करी, और यहाँ पर हमने इमली की चटनी भी ऐड कर दी है। चाट में बिना चटनी और सॉल्ट के तो टेस्ट आता नहीं है। और यहाँ पर हमने इमली पुदीने और धनिए की चटनी तैयार करी है। इसको अनार के दानों से अच्छे से गार्निश कर देंगे। इसके बाद कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। तैयार हो गई हमारी कटोरी चाट, देखिए कितनी कलरफुल, कितनी ब्यूटीफुल है। और फ्रेंड्स, ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।